नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो साथियों, आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। साथियों, आज से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि 10-10 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें हम लोग मुख्य तौर पे बात करेंगे छोटे छोटे जो आंदोलन हुए हैं, चाहे वो समाज सुधार से रिलेटेड हो, सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड हो, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस से रिलेटेड हो, या फिर किसी अन्य चीजों से रिलेटेड हो, उसको हम लोग शॉर्ट में करके बात करेंगे, शॉर्ट वीडियो के थ्रू। शॉर्ट वीडियो होगा लेकिन उस शॉर्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि कोई भी पॉइंट हम लोग छोड़ेंगे नहीं। एक भी पॉइंट यदि मिस करते हैं तो फिर नेट में मान लो कि आप एक सवाल गलत कर दिए इन्फॉर्मेशन कम होने की वजह से, या फिर इन्फॉर्मेशन गलत होने की वजह से, तो कई ऐसे छात्र हैं, या फिर छात्र क्या, मैं खुद, मेरा कई बार, एक बार दो बार, मेरे ख्याल से 2 बार 0.33% से मेरा नेट छूट गया था। तो आप इस चीज को बहुत बारीकी से समझिएगा और एक एक सवाल को आराम आराम से समय देकर सॉल्व कीजिएगा। तो हम लोग आज से इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यह सीरीज बिल्कुल पसंद आने वाला है। और यह सीरीज मॉडर्न इंडिया से भी रिलेटेड हो सकता है, मेडिवल इंडिया से भी रिलेटेड हो सकता है, एंशिएंट इंडिया से भी रिलेटेड हो सकता है। तो सीरीज छोटा छोटा होगा, जैसे शॉर्ट टर्म में हम लोग बात करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो चलिए आज के सीरीज की शुरुआत करते हैं, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और मुझे भरोसा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप मेहनत कर रहे होंगे ईमानदारी के साथ और एग्जाम की तैयारी में आप लोग लगे होंगे। चलो, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फराजी आंदोलन के बारे में। आपने देखा ही होगा टाइटल, ऊपर में आपने थंबनेल देखा है, फराजी मूवमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो फराजी मूवमेंट था दरअसल क्या? यदि आपसे 2-3 सवाल पूछा जाए कि फराजी मूवमेंट शुरू कब हुआ या फिर किसने किया था, तो ध्यान रखना फराजी मूवमेंट जो शुरू हुआ है वह दरअसल 1830 से 1850 के बीच का फेज है। कहीं कहीं किताबों में आपको 1840 मिलेगा दूदू मियाँ के नेतृत्व में, ठीक है, लेकिन दूदू मियाँ से पहले इनके फादर थे, इन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। तो दूदू मियाँ दरअसल उस आंदोलन को क्लाइमेक्स पे ले गए थे, इन्होंने शुरुआत नहीं की थी, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना। और एग्जैक्ट डेट दिया नहीं गया, इसलिए एग्जैक्ट डेट जब पता चले तो मैं भी आपको बता दूंगा, आपको जब पता चले तो आप हमें बता देना। पहली बात यह लिखो कि फराजी मूवमेंट जो है इसको फरायदी मूवमेंट भी कहा जाता है, फरायदी मूवमेंट भी कहा जाता है। कई किताबों में आपको फरायदी ऐसे लिखा हुआ मिले तो आप कंफ्यूज मत होना, एग्जामिनेशन हॉल में जैसे भी पूछे आप तीनों पॉइंट को याद रखना, क्योंकि आपको सवाल सही करना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हम लोगों को जारिफ करना है। आप कितना भी पढ़ लो, आपके पास कितना भी नॉलेज हो जाए, बट लोग तो रिजल्ट देखते हैं, दुनिया रिजल्ट देखती है, इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि कोई भी चीज आपसे गलत नहीं हो। तो फराजी को फरायदी भी कहा गया है और फरायदी भी कहा गया है दोनों। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका फाउंडर कौन रहे हैं, इसकी शुरुआत किसने की थी, तो लिखिएगा हाजी शरियत अल्लाह, हाजी शरियत अल्लाह ने, यह व्यक्ति का नाम है और यह बंगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बंगाल के रहने वाले हैं। तो आपसे पूछा जाए कि फराजी मूवमेंट का एरिया क्या था, तो आप बोलिएगा कि बंगाल के प्रोविंस में, ठीक है, बंगाल के प्रांत में इसकी शुरुआत हुई थी। और यदि पूछा जाए कि इसका उद्देश्य दरअसल क्या रहा होगा, मान लो इसका उद्देश्य के बारे में आपसे पूछा जाए, तो आप कह सकते हैं कि जो मुस्लिम आबादी थी, जो मुस्लिम पॉपुलेशन था उस क्षेत्र में, पूर्वी बंगाल में, ठीक है, जिसे आज हम लोग पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, पूर्वी बंगाल में जो मुस्लिम पॉपुलेशन था उनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन से बचाना था। किससे बचाना था? सोशल डिस्क्रिमिनेशन से, सामाजिक तौर पे जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था उस भेदभाव से उनको बचाना था। उसके साथ साथ जो हिंदू जमींदार थे, जो लोगों का शोषण किया करते थे, हिंदू जमींदार थे, उनके खिलाफ भी यह मूवमेंट चलाया गया था। लेकिन जब शुरुआत हुआ इसका फरायदी मूवमेंट के तौर पे हाजी शरीयत अल्लाह के द्वारा, यह पूर्वी बंगाल के हिस्से में हुआ मुस्लिम पॉपुलेशन को सोशल डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए। लेकिन जब हाजी शरीयत अल्लाह चले गए दुनिया से, तो उसके बाद उनके बेटे आए और उनके बेटे का नाम है दूदू मियाँ, ठीक है, उनके बेटे का भी आप नाम लिखिए, उनके बेटे का नाम है दूदू मियाँ, दूदू मियाँ।
यह दरअसल 1840 के दौर में आए और इन्होंने लीडरशिप संभाला किसका, फराजी मूवमेंट का, फराजी मूवमेंट का। और इन्होंने जब आंदोलन का नेतृत्व संभाला तो इस समय चीजें और ज्यादा क्रांतिकारी हो गई, इसमें हिंसा भी होने लगा, पहले तो अहिंसक तौर पे हो रहा था। और मूवमेंट दरअसल साथियों हमेशा अहिंसक होता है। एक लेक्चर हम लोग करेंगे कि आंदोलन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, रिवोल्ट क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड और भी जो सिमिलर टर्म्स हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो उसके बारे में हम लोग एक लेक्चर में बहुत विस्तार से बात करेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए मिट जाए। तो आपसे पूछा जाए, दुदू मियाँ 1840 के दशक में, 1840 में अपने पिता हाजी शरीयत अल्लाह की मृत्यु के बाद फराजी मूवमेंट को एक नेतृत्व दिए थे, और इस समय चीजें और ज्यादा क्रांतिकारी हो गई और ज्यादा हिंसक हो गई। तो हुआ क्या कि अंग्रेज जो कि इस समय शासन कर रहे थे तो अंग्रेज इनको बार बार पकड़कर जेल में डालने लगे, ठीक है। तो धीरे धीरे कर करके इनका मूवमेंट जो है कमजोर पड़ गया। इसमें हिंदू जमींदार के खिलाफ भी मूवमेंट हो रहा था, साथ ही साथ जो अंग्रेजों की जो ब्रिटिश पुलिस थी उनके खिलाफ भी ये लोग मूवमेंट कर रहे थे, और साथ ही साथ उन लोगों के खिलाफ कर रहे थे जो मुस्लिम पॉपुलेशन को सोशल डिस्क्रिमिनेशन के तहत देखते थे, उनके साथ सोशली डिस्क्रिमिनेशन करते थे। इस वजह से इन तीनों लोगों के खिलाफ यह मूवमेंट किया गया था। और फाइनली क्या हुआ कि 1847 के 100 साल बाद भारत आजाद हुआ। 1847 में क्या हुआ, दूदू मियां का गिरफ्तारी कर लिया गया, और जैसे उनको गिरफ्तार किया गया तो मूवमेंट थोड़ा कमजोर पड़ गया। और लगभग आज से मतलब 1847 से 15 साल बाद यानी 1862 में इनका मृत्यु हो गया, 1862 में इनका मृत्यु हो गया। और यह जो मूवमेंट चल रहा था बंगाल में, यह दरअसल बंगाल में ही सिमट कर रह गया, और साथ ही साथ यह एक धार्मिक रूप ले लिया था। तो इसके कई सारे चीजें जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं, कई चीजें निगेटिव एस्पेक्ट भी हैं। तो दुदु मियाँ जब दुनिया से चले गए तो मूवमेंट भी दुनिया से चला गया। तो आपसे दो तीन सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, फराजी मूवमेंट था क्या, क्यों शुरू किया गया था, किसने किया था, नेतृत्व किसने किया था, और फिर इसका उद्देश्य क्या था, ये चार पांच सवाल इसे पूछे जा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से वो लोग सवाल पूछते हैं, चाहे वो लोग कितना भी सवाल को झिकझैक करते हैं, पूरा घुमा फिरा दें, लेकिन आप सवाल को गलत मत कीजिएगा। एक एक चीजों को कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और लिखिएगा आप जरूर। तो मेरा ख्याल है कि फराजी मूवमेंट में आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप पूरे तरीके से इससे आने वाले सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर में अब हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और दूसरा जो मूवमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको आप हेडिंग दे दीजिए और लिखिए, वह है अहमदिया मूवमेंट। अहमदिया मूवमेंट, देखो यह जो टॉपिक है, यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो मॉडर्न इंडिया के हिस्से में इसको रखा गया है, मॉडर्न इंडिया के सेक्शन में रखा गया है। और बाकी यदि आप सिविल सर्विसेज के छात्र हैं, या फिर आप इतिहास के छात्र हैं, या फिर आप इग्नू के छात्र हैं, या फिर आप किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, तो यह आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। तो इसको आप पूरी तरीके से पढ़िएगा। भारत के, दुनिया में बोल रहा हूँ, भारत के हर एक एग्जाम में जिसमें इतिहास उसके सिलेबस में शामिल है, उन सभी एग्जाम में इसका महत्व समान है, और नेट के एग्जाम में तो है ही। चलिए, तो अहमदिया आंदोलन की बात की जाए तो यह 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, ठीक है। देखो एक चीज याद रखो, जब कहीं आप डिबेट में फंस जाओ और आपको एग्जैक्ट डेट नहीं याद आए तो आप क्या करना, सदी से आंसर दे देना। जैसे मान लो आपको इतना पता है कि 1900 से लेकर के 2000 के बीच में हुआ है, तो आप यह बोल करके निकल जाओ कि 20वीं सदी में हुआ था। और दरअसल एक स्मार्ट स्टूडेंट यही करता है, गलत इंफॉर्मेशन देने से बढ़िया है कि आप एकदम स्मार्ट तरीके से आंसर दे करके निकल जाइए। तो यह दरअसल जो शुरू हुआ है वह 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ है, और अहमदिया नाम से स्पष्ट है आपको, मुस्लिम समाज और धर्म सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। मुस्लिम समाज में धर्म सुधार के लिए, मुस्लिम सोसाइटी में धर्म सुधार के लिए चलाया गया आंदोलन था, इसको अहमदिया आंदोलन कहा गया है। कहता है कि 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने, अब देखो 1889 में इसकी शुरुआत हुई थी किसके द्वारा, मिर्जा गुलाम अहमद, लिखिएगा मिर्जा गुलाम अहमद ने इसकी शुरुआत की थी, मिर्जा गुलाम अहमद ने इसकी शुरुआत की थी। आप लोग यह बताना कि 1889 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है वह कहाँ में हुआ है और उसके अध्यक्ष कौन बने थे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। आप लोग जो भी लिखते हो कमेंट बॉक्स में, मैं एक एक मैसेज को बहुत बारीकी से पढ़ता हूँ,
कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी व्यस्तता की वजह से मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो आप लोग नाराज नहीं होइएगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी मैं सवाल पूछता हूँ। तो 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने इसकी शुरुआत की थी, और यह दरअसल बहुत ही लिबरल आइडियाज पे आधारित था, ठीक है, बहुत ही लिबरल आइडियाज पे बेस्ड था। आपसे पूछा जाए एक एक पॉइंट को आप एकदम एकदम पॉइंट बना करके लिखना, ऊपर लिखकर अहमदिया मूवमेंट लिख करके नीचे एक एक को पॉइंट बनाना, ठीक। कहता है कि अहमदिया आंदोलन के जो नेता थे वह अपने आप को हजरत मोहम्मद की तरह अवतार मानते थे, ठीक है, अल्लाह का अवतार मानते थे। कौन? अहमदिया मूवमेंट के जो नेता थे, कौन? मिर्जा गुलाम अहमद, और इनके अलावा और भी जो कई नेता थे, वह हजरत मोहम्मद की तरह अपने आप को खुद को अवतार मानते थे। जैसे इस्लाम में माना गया है कि वह एक मैसेंजर के तौर पे आए थे और उन्होंने पूरे दुनिया को मैसेज दिया, जैसे ईसा मसीह मैसेंजर के तौर पे हैं, बुद्ध मैसेंजर के तौर पे हैं, राम भी तो मैसेंजर के तौर पे हैं, कई लोग जो है मैसेंजर के तौर पे आए हैं, महावीर भी आए हैं। तो यहाँ पर हजरत मोहम्मद की तरह ये लोग अपने आप को मानते थे कि हम लोगों को भी मैसेंजर बना करके भेजा गया है, ताकि मुस्लिम समाज में, मुस्लिम सोसाइटी में हम लोग रिफॉर्मेशन ला सके, सुधार ला सके, समाज सुधार कर सके, ठीक है। चलो अब देखो, यदि आपसे पूछा जाए कि इसका उद्देश्य था क्या, तो एक चीज तो आपने समझ लिया, मुस्लिम समाज में सुधार, इसमें पॉइंट बनाना, मुस्लिम समाज में व्याप्त जितनी भी कुरीतियां थी, जितने भी सोशल इविल्स थे, उन सभी इविल्स को दूर करने के लिए दरअसल इस मूवमेंट को चलाया गया था, ठीक। और इसने गैर मुसलमानों के प्रति युद्ध जिहाद को बंद किए जाने की मांग की थी। यहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है टेक्निकली, ठीक है, इन्होंने जिहाद जो हो रहा था, मतलब कि गैर मुसलमानों के प्रति एक युद्ध की भावना भड़क गई थी उस दौर में, उसको जिहाद बोला गया है, तो जिहाद को रोकने की मांग की थी, जिहाद को रोकने की मांग की थी। हालांकि जब जिहाद शब्द के हम लोग बैकग्राउंड में जाएंगे, इनके पृष्ठभूमि में जाएंगे, तो वह अर्थ इसका नहीं होता है, लेकिन यह दरअसल जिहाद शब्द पे हम लोग डिबेट नहीं कर रहे हैं, उस पे कभी विस्तार से बात करेंगे। तो गैर मुसलमानों के प्रति जो युद्ध की एक भावना छिड़ गई थी, इनके अंदर, मुसलमानों के अंदर, उस भावना को रोकने का इन्होंने प्रयास किया था, और अपने उद्देश्य में, अपने मैनिफेस्टो में उसको शामिल किया था, ठीक। इसके साथ साथ क्या हुआ कि इस आंदोलन की वजह से इंडियन मुस्लिम्स के बीच में और जो वेस्टर्न एजुकेशन आ रहा था उसका बहुत प्रसार हुआ, और साथ ही साथ लिबरल आइडियाज को प्रमोट किया गया, लिबरल आइडियाज को एक्सेलरेट किया गया, ठीक, उदारवादी विचारधारा को एक्सेलरेट किया गया, प्रोत्साहित किया गया, लोगों के बीच उसको फैलाया गया। यदि आपसे इसका एरिया पूछा जाए कि यह एरिया कहाँ था, कहाँ पर हुआ था, तो आप लिख सकते हैं पंजाब के गुरुदासपुर जिला, ठीक है, पंजाब के गुरुदासपुर, पंजाब के गुरुदासपुर जिला में एक गांव है, एक शहर है, उस शहर का नाम है कादिया नगर। कहाँ? कादिया नगर। तो कादिया नगर से दरअसल यह प्रारंभ हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, कहाँ से? कादिया नगर से। और कादिया नगर कहाँ में है? गुरुदासपुर नामक जिले में है, और गुरुदासपुर कहाँ में है? पंजाब में है। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो मूल तौर पे एरिया जो रहा है अहमदिया मूवमेंट का, वह पंजाब रहा है। लेकिन यदि इसके उद्देश्य को देखें तो दरअसल पूरे मुस्लिम सोसाइटी में सुधार लाने की बात कर रहा है, लिबरल आइडियाज को प्रमोट करने की बात कर रहा है, वेस्टर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करने की बात कर रहा है, और गैर मुसलमानों के प्रति जो जिहाद की भावना भड़काई गई थी उसको रोकने का बात कर रहा है, उसको रोकने के लिए अपने मैनिफेस्टो में उसको शामिल किया है। तो आप चार पांच चीजें यहां से पूछी जा सकती है, आप एक एक चीज को बारीकी से समझना, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके, किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन बना करके नहीं रखना। एक सवाल यहाँ से और पूछा जा सकता है कि इसको जो शुरुआत किए थे मिर्जा गुलाम अहमद, उन्होंने दरअसल अपनी थ्योरी को एक किताब में पब्लिश करवाया था, एक किताब में लिखा था। यदि आपसे उस किताब का नाम पूछ दिया जाए तब आप क्या करेंगे? तो इसीलिए आप उस किताब का नाम लिख लीजिए, बराहिन ए अहमदिया, लिखिएगा बराहिन ए अहमदिया। यह दरअसल किताब है, इस किताब में मिर्जा गुलाम अहमद के थ्योरी को, उनका जो थ्योरेटिकल अप्रोच रहा है, जो उनका सिद्धांत रहा है, जो उनका थॉट प्रोसेस रहा है अहमदिया मूवमेंट को लेकर के, उसको दरअसल इसमें एक्सप्लेन किया गया है, डिटेल में उसको बताया गया है।
तो यहां से चार पांच छह सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इससे ज्यादा संभावना नहीं है सवाल पूछने का। तो वो लोग जितना भी जिगजैग कर, जितना भी घुमा सकते हैं, उनसे पहले आप अपने आप को घुमा लीजिए। जितने एंगल से वो लोग सवाल क्रिएट कर सकते हैं, उतने एंगल से आप खुद अपने दिमाग को सोचने के लिए मजबूर कीजिए, और आप उनके दिमाग को पढ़िए कि वो लोग सवाल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कहाँ तक आपको घुमा सकते हैं। उसके बाद आपसे एक भी सवाल किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। तो दरअसल इस वीडियो में हम लोग इन्हीं दो के बारे में बात करेंगे। मेरा ख्याल है कि चीजें आपको बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली समझ में आई होंगी। अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे दो अन्य मूवमेंट के बारे में। इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोस कर कर करके हम लोग एक एक करके जितने भी सोशल रिफॉर्मेशन हुए हैं, जितने भी सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं, जिन लोगों ने भी किया हो, उन सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया। आप अपने एवं अपनों का ख्याल रखिए और लोगों से प्यार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।